नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको 6 तरीके बताए थे किसी भी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ किसी भी विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ क्या होता है। जैसे मैंने ये नोटपैड ओपन किया, यहाँ पर 3 बटन है। पहला है क्लोज, दूसरा है मैक्सिमाइज, तीसरा है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज में क्या होता है कि अगर आप किसी को भी विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो वो कैंसिल नहीं होगा, बल्कि जो नीचे है यहाँ आकर छिप जाएगा। और जो मैक्सिमाइज होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। तो जब भी आप कोई विंडोज़ ओपन करते हैं जैसे कि नोट पे, तो ये छोटा सा आता है। अगर आप इसको पूरी स्क्रीन पर फैलाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ किसी भी विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो नंबर 1, उस पर दोस्तों जो ये बीच वाला बटन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ये तरीका सभी लोग जानते हैं, हो गया मैक्सिमाइज। वापस क्लिक करोगे तो रिस्टोर डाउन छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 के अंदर विंडोज़ 10 के अंदर काम करेगा ये। आप इसको पकड़ लीजिए और जो आपकी स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन, उसके ऊपर इसको ऐसे टकराइए, छोड़िए, ये बड़ा स्क्रीन हो जाएगा, यानी मैक्सिमाइज हो जाएगा नंबर 2। और जो नंबर 3 है, उसके अंदर आप क्या करना है, जैसे आपने विंडोज़ ओपन किया, राइट क्लिक करिए तो यहाँ पर ऑप्शन आता है मैक्सिमाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यू आर नंबर 3। अभी जो 2 और तरीके है वो कीबोर्ड से होगा। अगर आप कीबोर्ड से काम कर रहे हैं तो आप माउस का हाथ नहीं लगाओगे, तो आपको क्या करना है, अल्टर और स्पेस दबाना है तो ये एक मेनू शो होगी। फिर डाउन एरो से नीचे आना है और मैक्सिमाइज पे आकर एंटर देना है, बड़ा हो जाएगा। तो ये हुआ नंबर 4। अभी बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में आपने इसको खोला विंडोज़ और अब जो अप बटन है उसको प्रेस कीजिए, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका दोस्तों आप सभी विंडोज़ के अंदर काम करेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।